नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। फिलहाल मैं आ चुका हूं एक ग्राउंड में, घर के पास में काफ़ी बड़ा सा एक ग्राउंड है देख सकते हैं, और यहां पर मैं ट्राई करके देखने वाला हूं कि टाटा टियागो क्या ड्रिफ्टिंग कर सकती है। मतलब मैंने मूवीज़ वगैरह देखी है, टोक्यो ड्रिफ्ट देखी है अभी, तो थोड़ी सी चुल मच रही है, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं हूँ। इससे पहले मैंने ड्रिफ्टिंग वाली जो चीज़ है बिल्कुल आज तक कभी करी नहीं है। देखी बहुत है लेकिन करने की ना कोशिश करी है ना करी है। फर्स्ट टाइम मैं ये वाली चीज़ कर पा रहा हूँ, देखता हूँ कि हो पाती है या नहीं हो पाती है। और साथ ही साथ मैं जो शार्प टर्न लूँगा उसमें गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल जो भी हैं इसके अंदर फीचर, वो कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ आप देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम मतलब थोड़ी सी ट्राई करी, कोई खास बड़ी भयंकर सी ड्रिफ्टिंग तो नहीं हुई, लेकिन हल्के फुल्के जो मतलब चलती गाड़ी में टर्न लेते समय एकदम से हैंड ब्रेक मारना, वो करना, उस चीज़ में थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर के आया था। अब जो भी हुआ भाई ये हुआ, लेकिन एक चीज़ है भाई, टियागो में ऐसे एकदम से टर्न वर्न लेते टाइम डर बिल्कुल नहीं लगता, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं इस गाड़ी में, और मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में। लेकिन हालांकि थोड़े बहुत जो टायर घिसाए हैं भाई, उनसे काफ़ी ज़्यादा दुख होने लगता है। देख सकते हैं जो निशान है टायर पे पड़ गए, और ऐसी चीज़ आप बिल्कुल ट्राई ना करें। मतलब ऐसी स्किल ड्राइवर्स को आनी तो चाहिए इमरजेंसी में, अगर कभी कुछ हो जाए, मुझे नहीं आती वो बात अलग है, लेकिन शौक के लिए इसे ट्राई करना भाई थोड़ा सा गलत ही लग रहा है, क्योंकि गाड़ी में नुकसान अच्छा खासा होता है। हैंड ब्रेक का जो ब्रेक शू है वो भी घिसता होगा, टायर हैं वो अलग ख़त्म होते होंगे, और गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा वियर एंड टीयर भी आता है। तो इस चीज़ को आप मेरे हिसाब से तो छोड़ ही दो, मुझे कोई खास ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी नहीं। और करके देखा तो भाई गाड़ी का वजन भी काफ़ी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, उस कारण भाई एकदम से जो ड्रिफ्टिंग वाली चीज़ है वो मैं कोशिश कर चुका हूँ, नहीं हो पाती टाटा टियागो में। आपको उसके लिए कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, या टायर वायर अलग लगवाना पड़ेगा, या कुछ स्लिपरी सी जगह होनी चाहिए, तेल वेल बिछाना पड़ेगा। लेकिन भाई नॉर्मल कंडीशन में इससे ड्रिफ्टिंग करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है मेरे हिसाब से। तो भाई ये ही थी एक छोटी सी वीडियो मेरी तरफ से कि टाटा टियागो से क्या आप ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं या नहीं, अगर करेंगे तो कैसी करेंगे। और मुझे जो है डर वगैरह बिल्कुल नहीं लगा इस गाड़ी में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी ड्रिफ्टिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा और टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए आप लोग कमेंट्स में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।